अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज हम यहाँ बाबा साईं मस्ताना के दरबार पे आए हुए हैं, तो हम आपको अंदर का व्यू भी दिखाते हैं। ये दरबार रावलपिंडी चक्री रोड पे वाक़ है और यहाँ खालिद कॉलोनी जगह का नाम है। यहाँ पे विज़िट करना है अगर चाहें तो। ये चक्री रोड पे शगाफ पुली है, इस पुली से लेफ़्ट होंगे तो यहाँ आप आ सकते हैं, विज़िट कर सकते हैं। यहाँ बहुत सारे लोग यहाँ आते हैं, अपनी दुआएं मरादें मांगते हैं और बहुत लोगों को यहाँ फ़ायदा भी हुआ है। तो कुछ इनकी जो बाबा साईं हैं इनकी कोई एक कहानी भी है, वो भी मैं आपको सुनाता हूँ। ये जब पुराने लोग कहते हैं कि जब ये लोग वहाँ चिल्ला कर रहे थे तो कोई लोग आए यहाँ ये गंदम चोरी करने के घर से, गंदम चोरी करने के घर से आए और बाबा जी ने उनको देख लिया और बाबा जी ने उनको कहा कि जो है ना ये आप गलत कर रहे हैं। तो फिर जब बाबा जी ने उनको देख लिया तो वो सब लोग अंधे हो गए। तो फिर बाबा जी ने उनको बोला कि चोरी से तौबा करो और अल्लाह से दिल से माफ़ी मांगो तो आप दोबारा ठीक हो जाएंगे और आपको दोबारा नज़र आना शुरू हो जाएगा। तो फिर उन्होंने सब लोगों ने दिल से माफ़ी मांगी, अल्लाह से माफ़ी मांगी और बाबा जी से भी माफ़ी मांगी, तो फिर वो उनको दोबारा नज़र आना शुरू हो गया। उसके बाद फिर ये जो बाबा जी थे ये फिर मशहूर हो गए इस इलाके में। तो और इनके नाम पे एक साथ में बहुत अच्छी ज़बरदस्त बड़ी मस्जिद भी बनी हुई है, जामा मस्जिद इनके नाम से, तो वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो ये दरबार के साथ इन्हीं बाबा जी के, बाबा साईं मस्ताना के नाम से बहुत बड़ी जामा मस्जिद बनी हुई है। ये दरबार के बिल्कुल नज़दीक है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। तो नेक्स्ट वीडियो तक फी अमानिल्लाह। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।